प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस करना चाहते थे सारे मंत्रियों को, वो भी नहीं करने दिया ऑपोजिशन ने, और उन्होंने नारे लगाए, वेल में आ गए। राजनाथ जी का कहना था पहली बार ऐसा ट्रेडिशन में हुआ है कि इंट्रोड्यूस भी नहीं करने, पहली बार ऐसा हुआ कि 10 महीने से 500 ज्यादा किसानों ने साथ दे दी, महंगाई सोपार चली गई, आम आदमी एनडीए सरकार को कोच रहा, वो उस दिन को कोच रहा है जब दोबारा मोदी जी को सत्ता के शिखर पे बिठाया, जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए उन पे चर्चा नहीं होती। यूपीए सरकार के अंदर फालतू के बिल रिपील करने की बात करी थी, लेकिन यहाँ बिल 31 बिल इस 19 दिन की बैठकों के अंदर लाए गए, कृषि बिल वापिस लेने हैं, महंगाई को रोकने हैं, कोरोना से जो मौतें हुई देश के अंदर, इन सबको लेकर विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। मैं खुद बहल में आया था, आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। आज प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस करना चाहते थे सारे मंत्रियों को, वो भी नहीं करने दिया ऑपोजिशन ने, और उन्होंने नारे लगाए, वेल में आ गए। राजनाथ जी का कहना था पहली बार ऐसा ट्रेडिशन में हुआ है कि इंट्रोड्यूस भी नहीं करने, पहली बार ऐसा हुआ कि 10 महीने से 500 ज्यादा किसानों ने साथ दे दी, महंगाई सोपार चली गई, आम आदमी एनडीए सरकार को कोच रहा, वो उस दिन को कोच रहा है जब दोबारा मोदी जी को सत्ता के शिखर पे बिठाया, जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए उन पे चर्चा नहीं होती। यूपीए सरकार के अंदर फालतू के बिल रिपील करने की बात करी थी, लेकिन यहाँ बिल 31 बिल इस 19 दिन की बैठकों के अंदर लाए गए, कृषि बिल वापिस लेने हैं, महंगाई को रोकने हैं, कोरोना से जो मौतें हुई देश के अंदर, इन सबको लेकर विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। मैं खुद बहल में आया था, आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती।